दंतेवाड़ा जिले के जंगलों के बीच एक अनोखा गणेश मंदिर है। यहाँ विघ्नहर्ता का जुड़वा स्वरूप विराजित है। जी हाँ, बारसूर इलाके में जुड़वा गणपति है। यहाँ बप्पा की एक जैसी दो मूर्तियां हैं। फर्क बस इतना है कि एक बड़ी तो दूसरी छोटी है। इन मूर्तियों की खासियत ये है कि यह दोनों ही मोनोलिथिक है। लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ आकर दर्शन करने वालों के कष्ट विघ्नहर्ता हर लेते हैं। बारसूर शब्द की उत्पत्ति बालसूरी शब्द से मानी जाती है। बालसूरी कालांतर में बारसूरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन युग में यह नगरी बेहद समृद्ध व वैभवशाली नगरी थी। बारसूर के चारों दिशाओं में यहाँ के शासकों के द्वारा 10 से 10 मील दूर तक कई मंदिर और तालाब बनवाए, जिस कारण इसे मंदिरों और तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा दैतेंद्र बाणासुर ने करवाया था। दैतेंद्र बाणासुर की पुत्री उषा और उनके मंत्री कुमांत की पुत्री चित्रलेखा के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। भगवान गणेश इन दोनों के ही आराध्य देव थे। इनकी अटूट श्रद्धा भक्ति देख राजा बाणासुर ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं यहाँ एक ही स्थान पर स्थापित करवाई गई। दोनों ही सखियां इनकी पूजा अर्चना किया करती थी। कहा जाता है कि बड़े गणपति की प्रतिमा अपनी बिटिया रानी और राजकुमारी उषा के लिए और छोटी गणेश जी की प्रतिमा अपने मंत्री के बेटी चित्रलेखा के लिए निर्मित करवाई। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणपति अपने दोनों भक्तों उषा और चित्रलेखा के अटूट भक्तिभाव से बहुत प्रसन्न हुए थे। यही कारण है कि इस स्थान पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं फलित होती है। इस प्रतिमा में गणेश जी के ऊपरी दाएं हाथ में परशु तथा निचला हाथ अभय मुद्रा में है। इसी तरह ऊपरी बाएं हाथ में गदा तथा निचले बाएं हाथ में वे मोदक धारण किए हुए हैं। प्रतिमा के ठीक नीचे चलती हुई मुद्रा में मूषक अंकित किया गया है। इस परिसर में अभी भी मंदिरों के अवशेष बिखरे हुए नजर आते हैं। पुरातत्व विभाग की अगर माने तो यहाँ उन दौरान इस विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा के चारों ओर 6 मंदिर हुआ करती थी।